देखिए बिहार का जो रिटर्न एग्जाम होता है ना उसको दो तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, एक सेटिंग करवा करके और एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दे करके। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसमें क्या देखा जाएगा, करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा आप लोग अच्छा से ध्यान देंगे अपने सब्जेक्ट पे जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और थोड़ा सा फिजिकल पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, बस ये नौकरी आपका जरूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, यानी कि आप लोग का ये वीडियो आ चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, यानी आज आप लोग को हम बारीकी से सटीक जानकारी जो भी आप लोग के लिए जरूरी होगा, जितने भी नए छात्र या छात्राएं मतलब जितने भी लड़के या लड़कियां इससे इंटरेस्टेड होती है, बिहार पुलिस फॉर्म को भरना चाहती है और इसमें जॉब लेना चाहती है, लेकिन आपको बारीकी से इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि आपका जो रिटेन एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उससे आप लोग का मेरिट नहीं बनता है, और जिससे मेरिट बनता है फिजिकल सिलेबस से उसको भी थोड़ा सा समझ करके इस पर तैयारी आज से ही शुरू कर देना है, क्योंकि आप किसी भी नौकरी को जब आप लेते हैं, किसी भी जॉब को आप हासिल करना चाहते हैं, तो थोड़ा दिन आप लोग को उस पर देना चाहिए, यानी कि छह महीने से लेकर के एक साल तक का समय आप लोग को उसके लिए देना चाहिए, और यह बहुत ही बेस्ट समय में यह वीडियो भी बन रहा है और बहुत ही बेस्ट समय में आप लोग इसको देख भी रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी तैयार हैं इस संबंधित इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारियों को लेने के लिए और तैयारी करने के लिए, और अभी हम आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज के बारे में जानकारी देंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम आपसे जुड़े रहेंगे, यानी कि अब आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो लोड किया जाएगा। जितने बिहार पुलिस के व्यूअर हैं, हमें पता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे बिहार पुलिस के थे और उनसे हम कनेक्टेड नहीं थे बीच में, लेकिन अब यह नहीं होगा। आप लोग का जो ये कॉन्सेप्ट है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जो रणनीति होगा, जो स्ट्रेटजी होगा, वो मेरे द्वारा आप लोग को दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक सूचना, जितने भी नए व्यूअर देख रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि अब जो भी वीडियो आएगा आप लोग के हित में आएगा और काफी मजा, बहुत सारे नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, आनंद स्टडी ऑनलाइन के थ्रू आपको प्रोवाइड। कमजोर छात्र भी इस फॉर्म को भर सकता है, कमजोर छात्र भी इस जॉब को हासिल कर सकता है, लेकिन जैसे उसको बताएंगे वो उसको करना होगा, ठीक है, और हमसे जुड़ करके आपको जरूर रहना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पे सबसे पहले। तो यहां पर देखिएगा इसका जो वैकेंसी है कब आएगा उस पर बात करेंगे, टोटल पोस्ट कितने आने वाले हैं बहुत जल्द आपको दिखने के लिए मिलेगा, बशर्ते कि अगर आप तैयार हैं तब। जानते हैं कि आप में से जितने भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे और इसका तैयारी करते हैं, 90% तो फॉर्म आने के बाद इसका तैयारी करना शुरू भी नहीं करते हैं। जब एडमिट कार्ड आता है तब सीरियस होते हैं कि देख लेते हैं कुछ, मतलब पाठ पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन आप लोग को उसमें से नहीं रहना। आपको ये जो है 18 से 25 तक मांगा जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट 12th पास कर लिए हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है इसमें 12th पास का मांगा जाता है, और जितने भी अलग क्षेत्र के छात्र हैं, यानी कि बिहार से अलग हैं, जैसे बिहार पुलिस का वैकेंसी है तो सिर्फ बिहार के ही लोग इसको नहीं भरेंगे, अदर स्टेट यूपी के भी, झारखंड के भी, उड़ीसा के भी, जो भी आपके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, कहीं से भी हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता आपका 12th पास होना चाहिए, कहीं से भी आप फेल नहीं होना चाहिए 12th में, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी आपका है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी क्रॉस मार्क्स नहीं लगा हुआ है, आप वहां पे पास हैं तब भर सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ गए। और यहां पर अगर हम बात कर लें एज का, तो 18 से 25 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस का एज मांगा गया है इसमें, यानी कि 18 से आपका 25 के अब अंडर में है आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और बीसी ओबीसी का जो बिहार में कैटेगरी को बांटा गया है बीसी और ईबीसी में, उसको 2 साल का छूट मिलता है मेल के लिए खास करके, और फीमेल के लिए 3 साल का मिलता है। बीसी और ईबीसी में तो 27 वर्ष तक, एससी एसटी है तो 30 वर्ष तक इसको भर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, और बीसी ईबीसी में अगर फीमेल है तो 28 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष का छूट आपको 25 के बाद मिलता है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए समझ गए। और फी जो इसमें लगने वाला है वो सब पहले से भी आप जानते होंगे, 450 रुपया लगता है जनरल ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, उसके बाद एससी एसटी का 112 रुपया लगता है, अगर आप जाकर भरते हैं साइबर कैफे में तो 30-40 रुपया 50 रुपया एक्स्ट्रा वो ले लेता है। अब चलिए महत्वपूर्ण जानकारी शुरू होता है आप लोग का, कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होना है, आपका बिहार पुलिस में कितने स्टेप में आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप जॉब को कर पाएंगे, जॉब में ज्वाइन कर पाएंगे, ज्वाइनिंग आप लोग का आ जाएगा। चलिए पहला स्टेट जो आपका होगा वो रिटन एग्जाम का होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोग का होगा रिटन एग्जाम से आप गुजरेंगे, यानी कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा, और वहां पे आपसे 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि देखिए
आपका योग्यता मांग रहा है 12th का सर्टिफिकेट, 12th का होना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन देगा वहां पे 10th का। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। पहले के जो क्वेश्चन आया करते थे बिहार पुलिस में, वहां पे थोड़ा सा टफ देखा जाता था, मैथ का क्वेश्चन को कह लें और हम कह लें साइंस का क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा 12th लेवल से पूछता था। लेकिन आप लोग के लिए बहुत ईजी है, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग को हम बोलते हैं कि तैयारी आसान आप लोग के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10th लेवल हो गया है, कुछ क्वेश्चन का आप लोग को कम वेटेज मिलेगा। और यहाँ पे बहुत लोग सिंसियर इसके लिए नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको हम बताएं कि रिटेन एग्जाम को दो तरीके से लिया जाता है, एक सेटिंग करके और एक ऐसे ही, तो उस पर हम चर्चा करते हैं आगे रिटेन एग्जाम पर जब हम जाते हैं, उसको भी समझाएंगे आपको। क्योंकि देखिए जो फैक्ट्स है उस पर बात हम हमेशा किए हैं और करते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा, हर चीज से संबंधित हम वीडियो बनाते हैं कि जो होता है वो बताएंगे। फालतू का बात यहाँ पे बताने से क्या फायदा, कि मतलब उसका एग्जाम बहुत निष्पक्ष होकर लिया जाता है, कोई सेटिंग वगैरह नहीं होता, मेरे आंख के सामने हम देखें सेटिंग होता है, तो इसलिए हम उस पर भी खुल के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम, लेकिन पढ़ना भी आप लोग को जरूरी है, जब आपके पास दो हथियार रहते हैं तो कोई एक जरूर काम आ जाता है, ठीक है। चलिए रिटन एग्जाम में देखेंगे 10th लेवल पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाएगा वहां पे। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा स्टेप, जो आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो दूसरा जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो पीएसटी पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि फिजिकल के लिए आप लोग को आएगा, जहाँ पे रनिंग, चेस्ट, वेट और वहाँ पे आपको लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट है ना, गोला फेंक, ये सब मांगा जाएगा आपसे, तो यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा। उसमें भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे कि फिजिकल देखेंगे यहाँ पर, ये आप लोग का मेरिट बनाएगा, मेरिट आपका इससे बनने वाला है, तो आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, ये आप लोग के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि यहीं पर ले ले, फिर बाद में भी ले सकता है, मेडिकल बहुत ईजी होता है, कोई खास नहीं होता है मेडिकल। और उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, यानी कि एक बोर्ड पर आप देखेंगे, आपका जब ऑनलाइन चेक करेंगे आप जाकर के, तो आपका नाम वहां पर दिखेगा कि आपका मेरिट बन चुका है, जब आप फिजिकल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे तो, ठीक है। यहां तक आप समझ गए कि क्या क्या है, स्टेप कैसा कैसा होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट स्टेप यानी कि रिटन एग्जाम से शुरुआत करते हैं, कि आपसे पूछा क्या जाएगा अगले एग्जाम के लिए, जिसका आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, उसमें क्या पूछा जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन से आपको जीके जीएस, यानी कि जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा, मैथ से आएगा, हिंदी इंग्लिश से आएगा, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से आएगा। देखने में तो आपको लगेगा, जब आप इसका ऑनलाइन जाकर के देखिएगा सिलेबस, लगेगा कि हमको यूपीएससी बीपीएससी का सिलेबस मैच कर रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड सिलेबस दे दिया है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन नहीं, इतना पढ़ना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। हम एनालिसिस किए हैं क्वेश्चन को, देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इतना भी हार्ड नहीं आता, लेकिन हां आपको पढ़ना पड़ेगा जिस टॉपिक से प्रश्न आ चुका है प्रीवियस में, बहुत सारे वीडियोज हम बिहार पुलिस पे बना चुके हैं। अगर आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि नए व्यूअर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब अभी जाकर कर लीजिए, और आपको अंत में हम प्लेलिस्ट में ले चलेंगे, वहां पर दिखाएंगे आपको कौन कौन सा वीडियो बन चुका है, जो कि आप आज अगर देख लेते हैं तो आपका ऐसे ही कॉन्फिडेंस हाई हो जाने वाला है। चलिए जुड़े रहिए यहां से, और देखेंगे यहां पर जीके जीएस में पूछा जाएगा आपसे जो टॉपिक वो बात करते हैं, फिर मैथ में आपको क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट यहां पे लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, दो ही सब्जेक्ट यहां पे मेजर क्वेश्चन को गेन करता है, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। यहां पर देखेंगे हिंदी या इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन आता है, और करंट और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है, तो ये आपका रहेगा सब्जेक्ट। अगर हम जीके का बात कर ले, जनरल नॉलेज, यानी कि जो बुक आपके पास समान ज्ञान का है, वो चाहे लूसेंट का है, क्राउन का है, किरण पब्लिकेशन का है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक आपके पास अगर है जीके जीएस से संबंधित, तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। वहां से कहां से आएगा, सबसे पहले आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि 5-6 क्वेश्चन के लगभग में आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा। हिस्ट्री में भी अगर बांट के देखें, तो आपका अगर डिमांड होगा तो हर एक टॉपिक को हम डिटेल से बता देंगे आपको, कि 2022 यानी 2000 मतलब अपडेट के लिए ये जो एग्जाम है आपका नेक्स्ट एग्जाम, उसके लिए क्या सिलेबस आप लोग का हो सकता है, डीपली जाकर के हिस्ट्री में कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, जल्दी से जाकर कॉमेंट करिए कि हाँ हमें वीडियो चाहिए, जरूर वीडियो आप के लिए आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में बात कर लें तो हिस्ट्री को तीन प्रकार डिवाइड किया गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। उसी तरह से ज्योग्राफी को देखेंगे तो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल में बांटा गया है, लेकिन विश्व भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, नदी झरना करके ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो सब हम डीपली जब हम बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। इकोनॉमिक्स से नहीं आता है प्रश्न, इसको नहीं पढ़ना है, यहीं पर लोग कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने में 3 महीना गुजर जाएगा, कैसे होगा तैयारी। यही तो बात है कि क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपको नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है। विविध में भी थोड़ा बहुत मेहनत करना है, ये हो जाएगा आपका लूसेंट से ही पीछे से, और उसको हम और भी जानकारी आपको देंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जीके में आपका यही सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप मजबूत करिए, पढ़िए, ताकि आपको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो 35 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा, 32, 33, 34 या 35 क्वेश्चन की संख्या हो सकती है आपके बिहार पुलिस में, सिर्फ जीके से जनरल नॉलेज करके
है, वो भी यही सब्जेक्ट से, बस इसी सब्जेक्ट से हो सकता है। आगे अगर चलेंगे दूसरा, हम देखेंगे कि 100 में से 35 क्वेश्चन तो लगभग यहां से आ गए, बाकी क्वेश्चन जीके के और जीएस के आपको पूछे जाएंगे। जीके का तो हो गया, जीएस में 32 क्वेश्चन के लगभग 32-33 इसी टाइप से रहता है, फिक्स नहीं किया गया। तो यहां पे 32 क्वेश्चन के लगभग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछा जाएगा, जहां पे बायो का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा, परिभाषित क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल सकते हैं और केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम, फिर फिजिक्स से क्वेश्चन आपको बायो के बाद ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का जब टेक्निकल नॉलेज आपके पास होगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है, किस तरीका से आता है, और अभी आपको हम वीडियो भी देंगे उस तरीका का कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, इसका डिटेल हम बना भी चुके हैं पहले, और भी एक हम बना देंगे बेहतरीन से आप लोग के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया वीडियो, लेकिन जानकारी वहां भी सटीक दिया गया है, उसका भी लिंक आपको थोड़ा देर बाद हम देने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहां पे समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ भी आपसे पूछा जाएगा, मैथ का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि क्या सीजीएल लेवल का मैथ पूछेगा, क्या बैंक लेवल का मैथ पूछेगा, क्या रेलवे लेवल का मैथ पूछेगा, नहीं, आपसे वो सब मैथ नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो मैथ पूछा जाएगा वो काफी इजी लेवल का होगा, खास करके वो नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक को टच करता हुआ नजर आएगा, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करता है तो 4 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेगा, इस टाइप से बहुत इजी क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट एंड लॉस में, एवरेज में करके पूछ लिया जाएगा, जो कि आपको हम अगले वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। एडवांस से कुछ क्वेश्चन यानी ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चन इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ज्योमेट्री अलजेब्रा को छूते हुए कोई क्वेश्चन होगा, अगर आपको नहीं आता तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, 2 क्वेश्चन आप छोड़ पाइएगा, लेकिन हां वो 2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद आपको मेहनत कहां करना होगा वो भी आपको हम बताएंगे जरूर। तो मैथ में आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, उसका वीडियो देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश में से क्वेश्चन 15 पूछे जाएंगे और ये मैथ में से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इजी ही रहेगा, और कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग टाइप का भी लगेगा, रीजनिंग भी इसमें दे दिया गया इसी में से, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। हिंदी इंग्लिश में से व्याकरण और ग्रामर, मतलब हिंदी में से व्याकरण खास करके और ग्रामर इंग्लिश में से पूछा जाएगा, जहां पे मीनिंग वगैरह होंगे, ट्रांसलेशन वगैरह होगा, और हिंदी में शुद्ध वाक करके बहुत ही इजी आपसे पूछा जाएगा। अगर हम साफ साफ कह लें कि अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप लोग को सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे मेहनत करना है, यानी कि जीके और जीएस पे मेहनत करने के बाद आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग फंस गए मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में, तो ये एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा, ये गारंटी ले लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसमें क्या देखा जाएगा, करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके मात्र 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल को भी और करंट को भी मिला के पूछा जाएगा। इस 5 क्वेश्चन के लिए आप इतना मेहनत करिएगा जो कि हो सकता है आप टिक मारे और ऑटोमेटिक वो सही भी हो जाए, इसलिए उतना मेहनत आपको नहीं करना करंट अफेयर्स पे। अगर पहले से पढ़े हुए हैं, एग्जाम किसी को दिए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मोटा तैयारी आपका हो गया होगा, बस उसी से काम चल जाएगा। बार बार बोल रहे हैं 2 ही सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत अच्छे से इस पर फोकस करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन के क्वालिटी को देखना है कहाँ से पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आपको इसका सिलेबस बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, जहाँ पे आपको हम बताएं कि जीके जीएस मैथ हिंदी इंग्लिश और करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन देखे जाएंगे और किस टाइप से आपको पढ़ना है, टेक्निकल रूप से आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपको और भी वीडियोस हम देंगे, वहां से और भी अच्छे से आप रिलेट कर पाइएगा कि हमको क्या करना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है। इसका वैकेंसी अभी जब भी हम बताते हैं कब आने वाला है, तो यहां पे वैकेंसी जो आप लोगों का आएगा वो डेट आप लोगों का कब होगा, तो लगभग सितंबर या अक्टूबर में इसका वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक इसका खुद का जो है सीएसबीसी का आयोग के द्वारा लिया गया जो 8415 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस का था, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया है, उम्मीद है उसका भी जल्दी मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी अपडेट उसके लिए नहीं आ रहा है। और यहां पे देखेंगे फायरमैन का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है जो इसी आयोग के द्वारा लिया जाता है, तो थोड़ा सा ये लेट चल रहा है, डिले चल रहा है, तो उम्मीद है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में आपका न्यू वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमें ये कहना है आपसे कि न्यू वैकेंसी जब भी आए, आप कितना भी पोस्ट आएगा तो आप उसको भरिएगा जरूर, ये तो कंफर्म है, कभी भी उसको भरिएगा, चाहे कितना भी पोस्ट निकले आप सब भरिएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत क्या करना है, पोस्ट देखने में कि तैयारी करने में, तैयारी करने में ज्यादा मेहनत करना है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। और चाहिए कि मेरे पास अभी समय है 6-7 महीने, तो अच्छे से हम समय का उपयोग करके इस वैकेंसी को निकाल लें और ये वैकेंसी आए तो हम अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, ये नहीं कि पोस्ट आने के बाद, मतलब फॉर्म आने के बाद हम तैयारी करना शुरू करें, तब नहीं निकल पाएगा आपसे, ठीक है। और टोटल पोस्ट जो देखा जाएगा वो 9000 प्लस पोस्ट देखा जाएगा, यानी 10000 के करीब में आपसे पोस्ट जो यहां पर इसमें वैकेंसी के तौर पर भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ही बोला गया था पहले भी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 चीज से आपको उतना ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए जितना कि इसका तैयारी से होना चाहिए, तैयारी रहेगा तो कभी भी ये पोस्ट आएगा आप जरूर निकाल। वैकेंसी आने के बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, और उससे पहले आपको मेहनत उस दिशा में करना है जहां पे आपको 2 सब्जेक्ट को पहले मजबूत करना है, यानी कि अभी से जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आपको 2 सब्जेक्ट पे मेहनत करते रहना है, और साइड से दौड़ वगैरह आपको जो इच्छा करे, मतलब अगर दौड़ पाते हैं आप दौड़ते हैं पहले से बिहार पुलिस के लिए। बहुत सारे देखिए इस वीडियो को देखने वाले कैंडिडेट बहुत तरह के होंगे,
होंगे, एक होंगे जो दो तीन बार बिहार पुलिस का एग्जाम दे दिए होंगे, कुछ होंगे जो अभी पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार पुलिस का एज हुआ होगा उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो रहा होगा, मतलब मोटिवेट हो रहे होंगे क्या करना है हमें। और हो सकता है तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि दौड़ कर रहे होंगे और सोचे कि बिहार पुलिस आएगा तो उसमें सेटिंग करा लेंगे रिटर्न में, और या तो पढ़ लेंगे उससे निकाल करके, दौड़ तो मेरा हो ही गया है, हाई जंप लॉन्ग जंप सब मेरा फिक्स है, हो जाएगा उसमें। तो बहुत तरह से इसका तैयारी करने वाले लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हमें उम्मीद है आप लोग जो हम बता रहे हैं जिस तरीका से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है इस अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपका जरूरी एग्जाम क्या होगा, क्वालिफाई बहुत ही अच्छे से हो पाएगा और समझ भी आप पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन जो कि और भी आगे हम बताएंगे अच्छे से बताएंगे, और यहां पर देखते हैं इस पर बात बाद में करेंगे। आप सबसे पहले फिजिकल पर बात करते हैं कि लड़के और लड़कियां, लड़की भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है अब, यानी कि बिहार पुलिस को जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा लड़की जो है एक्टिव हो चुकी है, बहुत बड़ी भीड़ जो है इसका तैयारी करती है और बहुत अच्छा भी है उनके लिए, काफ़ी आसान भी है। लड़कियों में अभी कंपटीशन कम है लेकिन आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसलिए जितनी भी लड़कियाँ हैं जल्दी से जल्दी इसी वैकेंसी को अपना लें, यानी कि ले लें, क्योंकि आप लोग का वैकेंसी जो है टाइट हो जाएगा, यानी कंपटीशन बढ़ जाएगा लड़कों की अपेक्षा, जैसे लड़का का है ना कंपटीशन टफ उसी टाइप से आप लोग का हो जाएगा। तो आराम से आप पढ़िए फिजिकल को, फिजिकल में रनिंग को देखते हैं तो रनिंग में देखेंगे 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में लिया जाएगा, और सबसे पहले आपको बता दें कि फिजिकल जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, ये आपका मेरिट बनाएगा, मेक मेरिट करेगा आपका, और इसी से आपका मेरिट बनेगा, यानी कि अंतिम में जब आप बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि मेरा कट ऑफ में नाम आया कि नहीं, अंतिम कट ऑफ मेरा बन पाया कि नहीं, उसमें हम आप आए कि नहीं, तो यही आपका काम देगा फिजिकल सिलेबस, यानी यहाँ जो आप देखें रिटर्न एग्जाम ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आप एक स्टेप बस पार हो पाएंगे, यानी कि रिटर्न एग्जाम से आप फिजिकल एग्जाम की तरफ बढ़ पाएंगे, लेकिन फिजिकल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बाद आपका मेरिट बन जाएगा, ये सबसे सुपर आप लोगों को तैयारी करके रखना है, और इसका तैयारी रिटर्न से पहले करिएगा तो ज्यादा बेटर है, शुरू से लेकर के चलिए इसको, ठीक है। रनिंग काफी हार्ड इसमें देखा जाता है, कहा तो जाता है कि 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में आप लोग को 1.6 किलोमीटर का दौड़ करना है, लेकिन इस पर मेरिट बनने के कारण उसके कारण ही आप लोग का ये कट ऑफ क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन में आ जाता है, यानी कि यहां पे अगर आप 5 मिनट से कम रनिंग करते हैं तो आप लोग को क्या होता है कि जैसे कि 50 नंबर का रनिंग आप लोग का होता है, देखिए इसको डिवाइड किया गया है नंबर पे, इसमें क्या है कि 100 नंबर का आप लोग का फिजिकल लिया जाता है, जिस तरह से आपको एग्जाम के बारे में बताया कि आपका जो टोटल क्वेश्चन होता है 100 होता है, टाइम जो होता है 2 घंटा होता है, मार्क्स जो होता है 100 होता है, यानी कि रिटर्न एग्जाम जो होता है उसमें टोटल क्वेश्चन आपको 100 देखने के लिए मिलेगा, टाइमिंग आप लोग को 2 घंटा का मिलने वाला है रिटर्न एग्जाम के लिए, जो परीक्षा होगा आपका ऑफलाइन होगा ये, और मार्क्स यहाँ पे आपको 100 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और निगेटिव जैसा कि इसमें नहीं होता है रिटर्न एग्जाम में निगेटिव नहीं होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपको बताया कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि OMR पर आपका एग्जाम होगा, इससे आप समझ गए। और यहाँ पे समझते हैं कि फिजिकल में क्या होगा आपका, कि यहाँ पे 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, और ये डिपेंड करेगा कि जितने मिनट में यहाँ पे दिया गया दौड़ने के लिए ना, इससे कम मिनट में अगर आप दौड़ते हैं तब आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा, कट ऑफ में आप आ पाइएगा, यानी कि दिया गया 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर, लेकिन आप इसको निकाल रहे हैं 5:20 में, 5 मिनट से पहले 5:40 में, तो आपका नंबर हाईएस्ट मिलेगा, यानी कि अगर आप 5 मिनट से कम में इस दौड़ को निकाल देते हैं 1.6 किलोमीटर का, तो 50 का 50 नंबर आपको मिल जाएगा सिर्फ दौड़ के लिए, और दौड़ के लिए 50 नंबर रखा गया है शॉर्टपुट के लिए, यानी कि गोला फेंक के लिए, गोला के लिए आपको कितना नंबर रखा गया 25 नंबर, और हाई जंप के लिए मतलब ऊंचा जंप जो होता है हाई जंप के लिए आपको क्या किया गया 4 फीट दिया गया है जो रस्सी वाला होता है, ठीक है, वहां पे 4 फीट आपको करना है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा स्कोर तब मिलेगा जब आप हाईएस्ट कर पाएंगे तब, जैसे कि 16 पाउंड का गोला है 16 फीट मेल को फेंकना है, और अगर ये 20 प्लस फेंकेगा तो यहां पे 25 नंबर मिलेगा, अगर ये 17 फीट फेंक रहा है 18 फीट फेंक रहा है तो नंबर भी उसी तरह से कम होते जाएंगे, 20 नंबर 15 नंबर ऐसे करके मिलेगा, तो यहां भी एक कट ऑफ बनता है जो कि 100 के करीब में, और लगभग कट ऑफ जो जाता है करीब 80 के लगभग में कट ऑफ इसका जाता है, तो ये बहुत ही हार्ड होता है फिजिकल में, बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं तैयारी करते हैं तो यहां पे कट ऑफ हाई जाने का संभावना भी बना रहता है। तो आइए समझते हैं, रनिंग में देखेंगे मेल को 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, लेकिन आपको कम में मारना है, मतलब आर्मी जैसा दौड़ लिया जाता है, फीमेल में देखेंगे तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर मात्र 5 मिनट में कहा गया, लेकिन 5 मिनट से कम में आप लोग को लगाना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां 5 मिनट से कम में 4 मिनट 4.5 मिनट में भी लगाती हैं, तो उनका सिलेक्शन होने का संभावना और उसका नंबर भी क्या होता है बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा नंबर मिल पाता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, क्योंकि यहाँ मेहनत करना है आपको एग्जाम तरह से, यहाँ पे देखिए जो है फिजिकल में
नंबर को जोड़ा जाता है, जितना जल्दी दौड़िएगा जितना स्पीड में दौड़िएगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जाम का ही थोड़ा सा रूल है यहाँ पर। फिर देखेंगे यहाँ पे शॉर्टपुट में, यानी कि आप लोगों का गोला फेंक जो होगा 25 नंबर में 16 पाउंड का गोला 16 फीट लड़कों को फेंकना होगा और 12 पाउंड का गोला 12 फीट यहाँ पे फीमेल को फेंकना होगा। जितना ज़्यादा फेंकेंगे आप, मतलब कि 12 पाउंड का गोला 14 फीट फेंकिएगा 15 फीट फेंकेगा तो और ज़्यादा आप लोग को क्या होगा नंबर मिलेगा, 20 फीट फेंकेगा तो और ज़्यादा आप लोग को नंबर मिलेगा। हाई जंप में 4 फीट है, अगर 5 फीट करते हैं तो फुल नंबर दिया जाएगा आप लोग को। ये मिनिमम है, मतलब इससे मिनिमम करिएगा तो आप फेल ही हो गए। 1.6 किलोमीटर का रनिंग आपको 6 मिनट के बाद किए तो फेल हो गए, वहाँ पर आपका तो फिर मतलब सोचे ये भी नहीं कि कट ऑफ में आएंगे, वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर 1 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट से ज़्यादा में निकाल रहे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आप कैंसिल हो गए वहाँ पर, उसके बाद नहीं, इससे कम में निकालना है। और यहाँ पे गोला क्या करना है कि ज़्यादा फेंकना है, ज़्यादा दूर तक, जितना दूर तक फेंकेगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। और हाई जंप भी जितना ज़्यादा करिएगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, लड़कियों के लिए 3 फीट है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ भी आप अच्छे से समझ गए, इसी टाइप से आपको तैयारी। फिजिकल के तहत हम लोग हाइट और यहाँ पे चेस्ट को देखने का प्रयास करते हैं। मेल के लिए अगर हाइट का हम बात कर लें तो 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर आप लोग को मेल का मांगा गया हाइट यहाँ पे। अगर फीमेल हैं आप लोग तो 155 सेंटीमीटर, अगर मेल में आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी में हैं तब 165 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फीमेल के लिए टोटल फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा गया। इससे कम होगा तो दिक्कत आपको हो सकता है। ईबीसी यानी ओबीसी में दूसरा कैटेगरी ईबीसी एससी एसटी के लिए हाइट का व्यवस्था 160 सेंटीमीटर किया गया है, मात्र इतना हाइट आप लोग से मांगा गया है। तो ये हाइट का हो गया फीमेल ऑल के लिए 155। यहाँ पर देखेंगे चेस्ट जो कि मेल का होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए 81 से 86 यानी 81 बिना फुलाए नॉर्मल कंडीशन में आप खड़े हैं तो यहाँ पे आपका 81 होना चाहिए जो आपका सीना है 81। और एक्सपेंस करने के बाद यानी कि पूरा फुलाने के बाद, इसको एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे आप लोग का 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको सीना में चाहिए। अगर ईबीसी में है एससी एसटी में है तो यहाँ पे 79 से लेकर के 84 तक दिया गया है, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ भी चाहिए, लेकिन आपका नॉर्मल जो कंडीशन है वहाँ पर 79 में भी काम चल जाएगा और 5 सेंटीमीटर 84 तक आप लोग का एक्सपेंस होना चाहिए, यानी कि आप लोग का सीना जो है उतना फूलना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप समझ गए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं जो होगा आपका कट ऑफ। कट ऑफ देखिए दो तरीकों में डिवाइड है। कैसे है आप लोग का, एक कट ऑफ है यहाँ पे रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। पहला एग्जाम रिटर्न में भी कट ऑफ निकलेगा तो आप फिजिकल में पहुंचिएगा, यानी कितने कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ, क्या कट ऑफ गया, ऊपर से ही स्टूडेंट को लिया जाता है जो हाई स्कोर करते हैं। जैसे कि आप लोग का जो कट ऑफ होगा वो 75 से लेकर 80 के बीच में होगा, 82-83 के बीच में होगा, तो वो वहाँ पे वेरी करता है, वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेरी करता है, लेकिन वहाँ पे भी कट ऑफ निकलेगा। और एक कट ऑफ होगा आप लोग का मेरिट के टाइम में, यानी कि सबसे अंतिम में जब आप जाएंगे तो वहाँ फिजिकल के अनुसार जो कट ऑफ बनेगा। तो दो कट ऑफ हो गया। तो सबसे पहले कट ऑफ पर अगर हम बात, क्वेश्चन और स्टूडेंट की संख्या को देख करके समझ में आता है कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा। तो एग्जाम होने के बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, कितना हार्ड या लो क्वेश्चन पूछा गया, उससे डिसाइड होगा। तो यहां पे अगर हम कट ऑफ का बात कर लें, नॉर्मल ऐसे बात कर लें, तो उसको अब समझने के लिए हाई स्कोर को समझना ज्यादा जरूरी है। हाई स्कोर में हम देखेंगे तीन तरह में इसको हम बांटे हैं, मिनिमम, गुड और बेस्ट। यानी मिनिमम कहने का अर्थ किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पे मिनिमम जो स्कोर करना होगा बिहार पुलिस के जॉब को पाने के लिए, सेकेंड स्टेप के लिए फिजिकल देने के लिए, वो आपको कम से कम 73 से 78 तक करना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, क्योंकि यहां पे कंपटीशन टफ होते नजर आ रहा है और यहां पे बिहार पुलिस में धांधली रुक नहीं रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी आपको धांधली देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग क्वालिफाई होंगे जो उसके लायक नहीं थे लेकिन वो अलग दिमाग लगा करके उसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे पढ़ाए वाले लोग को भी होता है, बहुत सारा पढ़ने वाले लोग का भी होता है, तो वही होता है जो इस कट ऑफ में आ पाते हैं। तो कम से कम मिनिमम बता रहे हैं, इससे कम है तो आपका नहीं हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गुड में अगर आप आना चाहते हैं तो 80 से 85 स्कोर आप लोगों को करना होगा। और ये स्कोर कैसे आएगा, सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना होगा, इसको तरीके से मेंटेनेंस करके, यानी कि बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी के साथ इसको अगर आप करेंगे तो मात्र दो सब्जेक्ट में मेहनत करने के बाद आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा और बाकी सपोर्टिव रोल में आपका काम करेगा, जो हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो 80 से 85 गुड में आएंगे। और बेस्ट अगर चाहते हैं कि कंफर्म यहाँ पे हम दे दिए रिटर्न और हम दौड़ का तैयारी कर रहे हैं, वो तब होगा जब आप कम से कम 85 प्लस इसमें ले आइएगा, तब जाकर के आपका यहाँ पे कंफर्म होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो इसमें बहुत तरह से दिमाग देखेंगे आप, खास करके वो रिटर्न में ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, फिजिकल में ज़्यादा सेटिंग वगैरह नहीं हो पाता है, मतलब जो भी हम कह लें जो कि साफ है, सब जानते भी हैं इसके बारे में, इसमें ज़्यादा दिमाग लोग लगा लेते हैं लेकिन इसमें नहीं लगाते हैं। इसका तैयारी करते हैं और इसमें दिमाग लगा कर मतलब क्लियर कर लिए और इसको अपने से निकाल लिए और हो गया, वहाँ पर जॉब हो गया।
तो ये चीज पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। अगर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाई के बल पर लेने वाले हैं, तो आप लोग को जो बताएंगे बस उतना ही करना है। लेकिन आपको एक माइंड में बगल से साइड से दे देते हैं आप लोग को कि ये भी ध्यान में रखिएगा क्यों हमको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि कोई लोग जो है यहाँ पे वायरस की तरह काम कर रहा है, वो अपना काम निकाल लेगा इसको कर करके, हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा और आप उसको पछाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बात कर लेते हैं इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, यानी कि जब आप इस जॉब को क्वालिफाई कर लेंगे, आप लोग का मेरिट बन जाएगा, आप लोग के पास ज्वाइनिंग आ जाएगा, जब आप ड्यूटी करने के लिए जाएंगे तो आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि सैलरी का बात कर लें इसमें ही, तो आपको लगभग 30,000 से 35,000 के बीच में शुरुआती सैलरी को देखा जाता है, जो कि इतना ही होता है, और बाकी जितना भी भत्ता वगैरह मिलता है वो थोड़ा सा जुड़ के 35-37 तक हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा शुरुआती वेतन आपको बताया। और जितना आप पुराना होते जाएंगे आपका पोस्ट प्रमोशन भी बढ़ते जाएगा, यानी कि आप कॉन्स्टेबल से क्लर्क भी बन पाएंगे, वहाँ पे ASI बनेंगे, SI बनेंगे, इस टाइप से इसमें प्रमोशन भी देखा जाता है। और उसके बाद वहाँ पे आप लोगों का सैलरी भी उसी अनुसार बढ़ते जाएगा, पेमेंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल का अगर बात करें तो आप लोगों को ड्यूटी जो है बिहार में ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार पुलिस का जॉब है, तो बिहार में ड्यूटी मिलेगा। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिले में आप लोग को ड्यूटी मिल सकता है, लेकिन बिहार में ही मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग को जॉब प्रोफाइल में कुछ देखेंगे, जो लोग यहाँ पर सेटिंग से आएंगे ना, वो इस वायरस से जरूर परिचित होंगे, यानी कि सेटिंग करा के करा करके आए हैं, तो उनको लगेगा कि इसको वसूल करने के लिए हमको घूस लेना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्था ये बिहार पुलिस में होता है, यानी कि जिस तरह से इसका एग्जाम लिया जाता है उसी तरह से नौकरी के बाद भी आपको काम करने का मौका इसमें मिलता है, ठीक है। सेटिंग की वजह से एग्जाम हुआ, उसके बाद घूस भी वहाँ पर जॉब में ले रहे हैं, तो सेम कंडीशन वहाँ पर हो जाता है। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं, एग्जाम पढ़ करके जाते हैं, वो ईमानदारी से काम करके इसका नाम रोशन करते हैं, और वो पदोन्नति के तहत यानी कि उनका प्रमोशन होता है, तो वो बिहार पुलिस का भी नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि इस वायरस से परिचित नहीं होते हैं और वायरस से इफेक्टेड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को इसके बारे में और डिटेल से हम वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर घूमते हैं मेरा, तो वहां पे बहुत सारा वीडियो आपको बिहार पुलिस से संबंधित मिलेगा, दिमाग वहां पे आप लोग का खुलेगा। तो जरूर आप लोग समय दीजिए मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के, हर तरह का वीडियो आप लोग के लिए हम बना के रख दिए, जहां से आप अच्छे से शिक्षित और वहां पे टेक्निकल रूप से भी आप शिक्षित हो सकते हैं, यानी कि सब तरह का नॉलेज आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, यहां पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके प्लेलिस्ट दिया गया है, जाकर के टोटल जानकारी लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, बिहार पुलिस स्पेशल पे बहुत ज्यादा वीडियो बन चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सब चीज बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में अभी के अभी शेयर कर दीजिए, जो लोग इसका जानकारी नहीं रखते हैं और जो लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं। बहुत बड़ी भीड़ इसको भरती है फॉर्म को, आप भी इसको भर रहे हैं, तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोग का जब संख्या होगा हमारे चैनल पे, तो बहुत ही मजा आएगा किसी वीडियो को बनाने में, और बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे से आप लोग को हम वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में, आपको जॉब लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये लिखिए नीचे जो भी आपको मतलब डाउट हुआ होगा इस वीडियो संबंधी, जो भी आप अगला वीडियो चाहते हैं वो जरूर नीचे जाकर कमेंट कर दे कि हमें ये वीडियो चाहिए आपसे, तो उस पे वीडियो बन जाएगा। आप लोग यहीं तक रखते हैं वीडियो को, आप लोग जरूर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करिए, सारे वीडियोस को वहां पे देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर अभी तक कर दिए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।